أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين

इनकार कर दिया गया है लिहाजा आप हमारे भाई बिनयामीन को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि हम फिर गल्ला ला सकें और यकीन रखिए कि हम उसकी पूरी पूरी हिफाजत करेंगे वारिस साहब ने कहा क्या मैं उसके बारे में तुम तुम पर वैसा ही भरोसा करूं, जैसा उसके भाई यूसुरी उस शराब के बारे में तुम पर किया था ख़ैर अल्लाह ताला सबसे बढ़कर निगहबान है और वो सबसे बढ़कर रहम करने वाला और मेहरबान है और जब उन्होंने अपना सामान खोला तो देखा कि उनका माल भी उनके सामान के साथ लौटा दिया गया है वो कहने लगे अब्बा जान हमें और क्या चाहिए ये हमारा माल है जो हमें लौटा दिया गया है और इस मरतबा हम अपने घर वालों के लिए और गल्ला लाएंगे, अपने भाई की हिफाजत करेंगे और एक ऊंट का वो ज़्यादा लेकर आएंगे इस तरह ये ज़्यादा गल्ला बड़ी आसानी से मिल जाएगा सोर् यूसुफ़ की तिरसठ चौसठ पैंसठ तीन आयत आपके सामने पढ़ी गई है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दसों भाई मिस्र से गन्ना लेकर अपने बाप के पास वापस कनान आए जब अपने बाप के पास कनान आए पूरे सफ़र की रुदात अपने पा अपने बाप के पास बैठ करके सुनाने लगे पूरे दसों के दसों भाई सबसे पहले सामान वगैरह रख दिया और सामान वगैरह रखने के फौरी बात सब के सब अपने बाप के पास हाजिर हो गए याकूब अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर होकर तमाम भाई हज़रत यूसुफलाम की तारीफ़ करने लगे और ये कहने लगे कि अब्बा हुजूर मिस्र का जो बादशाह है वो बड़ा ही रहमदिल है बड़ा ही खरीक है इंसान नवाज है मेहमान नवाज है उन उसने हम लोगों की बड़ी इज़्ज़त की तकरीम की और हम लोगों को बहुत ही आराम और सुकून के साथ मेहमान खाने में रखा हमारे खाने का पीने का सोने का रहने का हर किस्म की राहत व आराम का उन्होंने इंतज़ाम किया किसी किस्म की कोई तकलीफ़ हम लोगों को नहीं पहुँचने दी और ए अबा हमारा जहाँ उन्होंने एजाज़ इकराम किया उसके साथ साथ उन्होंने ये शर्त आयद कर दी कि अगर दोबारा गल्ला लेने के लिए आना हो तो अपने ग्यारहवें भाई को भी साथ लेकर के आना बिन को भी साथ लेकर आना अगर तुम उसको लेकर के आओगे तो तुमको गल्ला दिया जाएगा और अगर तुम उसको लेकर नहीं आओगे तो तुमको गले से महरूम कर दिया जाएगा और ये हम समझेंगे कि तुम एजेंट थे जासूस थे दुश्मन के आदमी थे इस तरह तुमको हम सख्त सजाओं से दो चार तुमको होना पड़ेगा इसलिए अगर तुमको गल्ला लेना है तो उस ग्यारहवें भाई को भी लेकर के आना जो तुम्हारे बाप के पास है और वो नहीं आया तो तमाम भाइयों ने ये कहा कि अब्बा हुजूर उसको आप हमारे साथ भेज दीजिए हम उसकी हिफाजत करेंगे उसकी जान की हिफाजत करेंगे उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे तो हज़रत याकूब याकूब्लाम ने कहा क्या मैं तुम्हारे ऊपर वैसा ही भरोसा करूं जैसा कि यूसफ्लम के बारे में भरोसा किया था यूसुफलाम्सम के बारे में भी तुम लोगों ने ऐसे ही अहदोपैमान किए थे और उनकी जान की हिफाज़त का वादा किया था कि मैं हम हम लोग उसकी हिफाजत करेंगे लेकिन तुम उसकी हिफाजत नहीं कर सके हमारा एक बेटा जाय हो गया जो मेरा महबूब था लाडला था उसकी तुम हिफाजत नहीं कर सके अच्छा ठीक है अल्लाह ताला ही बेहतरीन हिफाज़त करने वाला है नबियों का ईमान तमाम आम इंसानों से बहुत ज़्यादा मजबूत होता है उसके ईमान के अंदर कोई कमी नहीं होती अल्लाह की ज़ात पर यकीन और भरोसा हमारा तो मामूली मामूली बातों पर अल्लाह की ज़ात से यकीन उठ जाता भरोसा उठ जाता हम अल्लाह से दुआ मांगते अगर ज़रा देर कबूल नहीं हुई तो हम फौरन नाउम्मीद हो जाते मायूस हो जाते और मुख्तलिफ़ किस्म के ख़याल दिल के अंदर आने शुरू हो जाते कि हम इतनी दुआएँ मांग रहे हैं नमाज़ पढ़ रहे हैं सूरह यासिन पढ़ रहे हैं फिर भी हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है तो इस तरीके से तो अल्लाह की ज़ात के बारे में हमारे ख्याल बदल जाते मुख्तलिफ़ किस्म के वसवसे आने शुरू हो जाते लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नबी हैं नबी का ईमान सारी दुनिया के आम इंसानों से मजबूत होता है तो याकूब अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं अपने बेटों से अच्छा ठीक है तुम लोग पैमान कर रहे हो हम उनको भेजेंगे अल्लाह ही उसकी हिफाज़त करने वाला है अल्लाह ही उसकी निगरानी करने वाला तुम्हारे ऊपर हमको भरोसा नहीं है अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे मुकद्दर में बिनयामीन का जुदा होना भी लिखा हुआ है तो वो जुदा होगा देखा कि ईश्वर सलाम जुदा हो गए हमारी लाख कोशिशों के बाद भी वो हमसे जुदा हो गए और आज तक हमसे वो जुदा है और पता नहीं वो जिंदा है या क्या है पता नहीं तो तुम्हारा अगर ये कहना है कि तो उनको ले करके जाएंगे तो गल्ला मिलेगा ठीक है लेकर के जाओ उसकी हिफाजत के लिए मैं अल्लाह की महाफ्त में उसको देता हूँ अल्लाह की निगरानी में उसको देता हूँ क्योंकि अल्लाह ही बेहतरीन हिफाजत करने वाला है अल्लाह अगर हिफाजत न करे तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते अल्लाह ही अगर हिफाजत करे तो फिर उसकी हिफाजत हो सकती है तो हम अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके उसको तुम्हारे साथ कर देंगे हर मुमकिन कोशिश करना उसकी जान की हिफाज़त की सब बातचीत हो गई तमाम के तमाम भाई चले गए अपने सामान वगैरह खोलने के लिए कि क्या क्या गले में है क्या क्या चीज़ है जब वो खोलने के लिए गए गले को तो गले के साथ उन्होंने देखा कि पूरे वो जो पैसे हम लोग ले कर के गए थे रकम ले कर के गए थे गला ख़रीदने और जिन पैसों से हम लोगों ने गला ख़रीदा था वो पूरे के पूरे पैसे सामान में लौटा दिए गए हैं पूरे के पूरे पैसे सामान के साथ लौटा दिए गए हैं एक पैसा भी जो है अजीज़ जो बादशाही मित्र था उसने एक पैसा भी नहीं लिया वो पूरे पैसे उन्होंने लौटा दिए अब पूरे दसों के दसों भाई ख़ुशी खुशी फिर बाप के पास आए और बाप के पास आकर के कहने लगे अब्बा हुजूर, देखिए कितना मेहरबान है मिस्र का बादशाह कि उसने गला भी दिया हमारी मेहमान नवाजी भी की खातिर तवाजो भी किया और हमारे गल्लों के साथ साथ हमारे पैसे भी वापस कर दिए कितना मेहरबान है कितना खैर खा है उसके अंदर कितनी इंसानियत नवाजी है कि देखिए गदला भी दिया हम लोगों को और गदला देने के साथ साथ हमारे पैसे भी वापस उसने कर दिए तो इस तरीके से उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा ठीक है तुम या बिन्यामीन को लेकर के जाना और उसकी हर मुमकिन उसकी हिफाजत की कोशिश करना हाँ अगर अल्लाह ताला ने ही उसके बारे में फ़ैसला कर दिया दुश्मनों के घेरे में आ गए या तुम सब के सब हलाक हो गए तुम सब के सब बर्बाद हो गए तो ऐसे मौके पर दूसरी बात है अगर तुम लोगों को दुश्मन ने घेर लिया घेर करके तुम सबको मार दिया तो ऐसे मौके में तुम क्या करोगे तुम तो अपनी जान ही नहीं बचा सके तो मेरे बच्चे की जान क्या बचा सकोगे तो इस तरीके से बाप में और बेटों में गुफ्तु हुई बेटों ने हजरत अलैहिस्सलाम को यकीन दहानी कराने की कोशिश की और बिन को साथ भेजने की दरख्वास की और हम हर मुमकिन बिन की जान की हिफाजत करने का उन लोगों ने वादा किया और उन लोगों ने अहदो पैमान किए कि, कि पहली मरतबा हो गया अब्बा हुजूर हम यूसुफ की हिफाजत नहीं कर सके लेकिन ये दूसरी मरतबा तो ऐसा नहीं हो सकता दूसरी मरतबा हम बिन की मकम्मल तौर पर हिफाजत करेंगे तो हज़रत याकूबला सलाम अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके तैयार हो गए कि अगर मुकद्दर में होगा इनका गायब होना हराक होना तो अल्लाह ताला ने मुकद्दर में लिखा हुआ है तो अल्लाह के मुकद्दर के लिखे हुए को कौन टाल सकता है इसलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तैयार हो गए अपने बच्चे को बच्चे बिन्यामीन को भेजने के लिए आज जुमेरात का दिन है फिर अब मंगल से तफसीर अगर पहला रमज़ान मंगल को हुआ तो मंगल से शुरू होगी तफसीर पीर को अगर रमज़ान हुआ पहला तो पीर से तफसीर शुरू होगी इस बीच में दो चार दिनों के लिए तफसीर बंद की जाती है अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सब उस सुन ज़्यादा मन की तोफ़ी ख़त फ़रमाए सुबह अल्लाह यो बहमदी सुबह